हनुमान लाल। आज हमारी और प्रभु की मित्रता हुई है, चलो मित्रता के खुशी में हम प्रभु को अपने बगीचे में घुमाते हैं। चलो राजन, बगीचे की तरफ चलो। हाँ भगवान, चलो। मिलता है सच्चा सुख के भगवान आपके चिंतित हो गए हो कि जब से रे सम्मुख आए तब से उदास हम पाते हैं, तब से उदास हम पाते हैं। चिंता में डूबा देखत है, चिंतित हम भी हो जाते हैं। करके चिंतित क्यों हो गए हो कि जीव काल पहाड़ पर रहे में क्या भेद क्या कारण है। हम तो साथी दुख सुख के हैं।
पर छिप करके क्यों रहते हो और यहाँ पर क्या देखकर के इतना चिंतित हो गए हो? आप हमारी दुखी कहानी नहीं जाने तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या कहते हो, हमारी तुम्हारी मित्रता भी है और मित्रता में अंधेर गवाह हुए है। वो मित्र पातकी कहा जाता है कि जे न मित्र तुम के दुख में दुखी नहीं होता है। तुम तो हमारे परम मित्र हो, अपनी दुख भरी कहानी मित्र से नहीं बताओगे तो तुम किससे बताओगे? भगवान, यदि आप हमारी दुख की कहानी जाना ही चाहते हैं तो सुनो भगवान। कि बालियार हम हैं दो भाई, बालियार हम हैं दो भाई, भाई हैं, बाली हमसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ। दोनों भाई पंपापुर में राज्य करते थे। एक दिन अचानक मायावी नाम का दैत्य हमारे भाई बाल को युद्ध करने के लिए ललकारा। युद्ध करने के लिए ललकारा? हाँ भगवान, हमारा भाई बाल बलशाली है, वरदानी है। उसने ऐसे ऐसे वरदान पा रखा है, जो भी सन्मुख युद्ध करने के लिए जाता है उसका आधा बल खींच कर हमारे भाई बाल में चला जाता है। क्या कहते हो, तुम्हारा भाई बाल ने ऐसा वरदान पा रखा है जो कोई सामने आकर के युद्ध करता है उसका आधा बाल खींच करके तुम्हारे भाई बाल में चला जाता है। हाँ भगवान, हमारे भाई बाल को उस मायावी दैत्य की ललकार सही नहीं गई और दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा? हाँ, युद्ध होते 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 एक गुफा के समीप जा पहुँचे। जो दैत्य था गुफा के अंदर चला गया। हमारा भाई बाल भी गुफा के अंदर जाना चाहा और जाते जाते हमसे क्या कहा, क्या कहा? एक पाकत मरे उखराली, एक पाकत मरे उखराली, नहीं आओ हो तो जान से मारी। हमारा भैया बाल कहने लगा, सुग्रीव इस गुफा के दरवाजे पर हमारा एक पाक यानी 15 दिन तक इंतजार करना। यदि मैं एक पाक तक वापस ना आए तो समझ लेना मेरा भाई बाल मारा गया और पंपा को लौट जाना। इतना कह करके हमारा भाई बाल भी गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद में गुफा के दरवाजे पर मैं एक पाक के बजाय 1 महीने तक इंतजार करता रहा। फिर क्या हुआ? उसके बाद में दरवाजे से एक खून की धारा निकली। खून की धारा निकली? हाँ, तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाल मारा गया, क्योंकि हमारे भाई बाल का सफेद खून है और सफेद ही खून की धारा निकली थी। तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाल मारा गया और ये भी सोचा उस दैत्य ने हमारे भाई बाल को, हमारा भाई बाल इतना बलशाली है, वरदानी है, उस दैत्य ने मार दिया है तो ऐसा ना हो बाहर निकल करके मुझे भी मार दे। ये सोच करके मैंने गुफा के दरवाजे पर पहाड़ का टुकड़ा ढक दिया ताकि दैत्य बाहर न निकल सके और मैं पंपापुर चलाया। पंपापुर में हमें राजा बना दिया गया। उसके बाद में उस गुफा में भगवान हमारे भाई बाल ने उस दैत्य को मार दिया था। वो जो खून की धारा थी दैत्य की थी? हाँ, उस सफेद खून की धारा दैत्य की थी, उसका भी सफेद ही खून था। हम भगवान, मैं पहाड़ के टुकड़े लगा करके वापस चलाया। उसके बाद में हमारा भाई बाल भी वो टुकड़े को निकाल कर पंपापुर आया, हमें मारा पीटा, राज्य से निकाल दिया और हमारी पत्नी भी छिनकर जबरदस्ती अपने घर पे